सोमनाथ मंदिर का अद्भुत इतिहास। मंदिर में आता है करोड़ों का चढ़ावा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है सोमनाथ मंदिर। भारत के मंदिर भारत देश की संस्कृति और सभ्यता के नायाब उदाहरण है। देश के मंदिरों में लोगों की आस्था इतनी अटूट है कि लोग मन्नत पूरी होने पर यहाँ दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। देश में कितने ही ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है, जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन 24 की खास सीरीज देवता की दौलत। आज हम सोमनाथ मंदिर की दौलत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराणम, भागवत पुराण, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देश में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन इस मंदिर की संपत्ति आज भी रहस्य बनी हुई है। एक समय में इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का ही एक नाम सोम था और उन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी, अपना नाथ मानकर यहाँ तपस्या की थी। तभी से इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ गया। कहा जाता है कि सतयुग में चंद्रमा ने ये मंदिर बनवाया, द्वापर युग में रावण ने ये मंदिर निर्माण किया और उसके बाद त्रेता युग में श्री कृष्ण ने भी इस मंदिर का निर्माण किया। ये पौराणिक कथाओं में लोगों को आस्था है और आज कलयुग में भी सोमनाथ हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए मंदिर के शिखर पर मौजूद 1250 कलशों के ऊपर सोने की परत लगाई गई। पिछले 70 साल में मंदिर के शिखर पर मौसम के कारण पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए एक काम किया गया। साल 2020 में कोरोना की वजह से भक्तों की आवाजाही कम रही, लेकिन साल 2021-22 में भक्त भारी संख्या में महादेव के दर्शन के लिए आए। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में सोमनाथ के मंदिर में 30.37 करोड़ का दान आया। ट्रस्ट के पास अभी भी 36 किलो सोना रिजर्व में रखा हुआ है। मंदिर में मौजूद 1200 कलशों पर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। मंदिर में जो व्यापारी वहाँ के थे आसपास के, वो लोग काफ़ी धन दिया करते थे, तो ये धनी मंदिर में से हुआ करता था। और शायद ये भी कारण रहा हो कि उस वक्त के समाज में एक धार्मिक महत्व का मंदिर था, क्योंकि ये पहला ज्योतिर्लिंग है। तो सिंबॉलिकली भी यदि अटैक करना हो किसी राज्य के ऊपर, तो अटैक करने वाला जो आक्रमणकारी है वो उसके सबसे महत्वपूर्ण सिंबल को तोड़ने का सोचता होगा, शायद ये कारण भी रहा होगा। सोमनाथ मंदिर का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस मंदिर के आसपास दो महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल हैं। मंदिर से 5 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा था। इसके अलावा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 नदियाँ, हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम है। इसे त्रिवेणी कहा जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करने वालों पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बरसने लगती है, साथ ही भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। सोमनाथ का मंदिर इसलिए बनाया गया कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सत्य युग से ये जो आस्था का प्रश्न है उनको पुष्टि देने के लिए कन्हैयालाल मुंशी, V.N. गाडगिल, ढेबर भाई, जाम साहब और सबसे बढ़िया तो सरदार पटेल ने दृढ़ संकल्प के साथ ये मंदिर के निर्माण करने का जो फैसला किया उनको सबने मिलके साकार भी किया। अगर सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पता चलता है कि इतिहास में सोमनाथ मंदिर को 6 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार स्थानीय राजाओं ने इसे फिर से बनवा दिया।
महमूद गजनवी ने 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, इसकी संपत्ति लूटी और इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसे दोबारा बनवाया। इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर आक्रमण किया तो इस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया, जिसके बाद हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया। सन 1950 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया। इस तरह 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु शैली में बनवाया।